लेट्स बिगेन द टॉपिक इंसनरेशन। आज हम पढ़ेंगे इंसनरेशन क्या होता है। इस इंसनरेशन टॉपिक पे सीधे आने से पहले हम ये जानेंगे इस कुछ फैक्ट्स जो हैं इसके बारे में कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है इंसनरेशन। ये इंसनरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेस्ट को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में वेस्ट को क्या करते हैं, बर्न करते हैं एक लार्ज फर्नेस में, बड़ी एक भट्टी होती है उसे इसको बर्न करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसनरेशन। एक चीज़ जो एक फैक्ट तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, इस प्लांट्स में जो है खासकर जो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है पहले उसको सेग्रीगेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, और जो बाकी मटेरियल रिसाइकलेबल को निकाल कर अलग करके जो बाकी मटेरियल बचता है उसको बर्न किया जाता है। खासकर जो हैजार्डस वेस्ट होता है जिसका रिसाइकलिंग नहीं होती उस मटेरियल को बर्न किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, जो गार्बेज को बर्न करते हैं तो ये पूरे तरीके से जो क्लीन प्रोसेस नहीं होता, इसमें बहुत सारे टन्स ऑफ टॉक्सिक ऐश और पोल्यूटेड जो पोल्यूटेंट गैसेज हैं वो निकलती हैं जो कि एयर और वाटर को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। तो ये एक पूरे तरीके से साफ इसको नहीं कह सकते कि प्रोसेस है जिसमें कि इसमें कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि एयर और वाटर को पोल्यूट करती हैं, वो भी निकलती हैं। इस समय एट प्रेजेंट जो है इंसनरेशन जो है, फिर जब हम किसी भी वेस्ट की मैनेजमेंट करते हैं हैजार्डस वेस्ट वगैरह की, तो इंसनरेशन प्रोसेस जो है एक लास्ट जो है हमारा स्टेप होता है। जब कुछ नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि उस वेस्ट को हमने ट्रीट करना है थ्रू प्रोसेस ऑफ इंसनरेशन। तो इसमें खास कर जो है इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे हॉस्पिटल्स में आम आज लगा, मतलब बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स में हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में इंसनरेटर जो है मौजूद होते हैं वो लगे हुए, जहाँ पर कि इन्फेक्शियस वेस्ट को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वहाँ उसकी कंबशन की जाती है। तो अब आ जाते हैं इंसनरेशन की डेफिनेशन क्या है और इसकी आगे टाइप्स फिर पढ़ेंगे हम। तो इंसनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को हम डायरेक्ट बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, लगभग टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें कि जब इसको वेस्ट को बर्न करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, हीट निकलती है, इनर्ट गैसेस भी निकलती हैं और ऐश निकलती है। तो इंसनरेशन क्या है, वेस्ट को ट्रीटमेंट करने को प्रोसेस है जैसे हम लैंड फिलिंग करते हैं बाकी जो वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, उसी तरीके से ये भी क्या है, एक वेस्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिसमें कि हम वेस्ट को क्या करते हैं, सब्सटेंस की कंबशन करते हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल हो उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को कंबशन की जाती है, जलाया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज़, क्योंकि हम यहाँ पर इस इंसनरेशन में क्या करते हैं, वेस्ट को जलाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हम स्टीम बनता है जब वेस्ट जलता है, गर्म जो पानी होता है वाटर बॉयल होता है, स्टीम बनता है और उस स्टीम के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज़ इसको बोलते हैं इंसनरेशन। और बाकी जो हाई टेम्परेचर वेस्ट सिस्टम आर डिस्क्राइब है थर्मल, तो इसमें इसको हम थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं हम वेस्ट को और उसको फिर जलता है, और वेस्ट भी क्या करता है, जब जलता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके थ्रू हम पावर भी जनरेट करते हैं। तो इंसनरेशन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू ऐश, फ्ल्यू गैसेस और हीट भी निकलती है, और वेस्ट कैन बी म्यूनसिपल वेस्ट हो सकता है टू हाईली लिक्विड और सॉलिड केमिकल रेजिड्यूज। कौन सा वेस्ट हम जलाते हैं, चाहे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हो या ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, चाहे वो सॉलिड या लिक्विड जो वेस्ट होता है, रेजिड्यू केमिकल जो रेजिड्यू होंगे, ये वो वाला वेस्ट होता है जिसकी इंसनरेशन हम करते हैं। जिसमें इंसनरेशन करते हैं इस प्रोसेस में उस जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं इंसनरेटर। तो इंसनरेटर में ये किया जाता है।
इंसिनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो वेस्ट की वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाती है सिग्निफिकेंटली, और जब हम बाकी जो वेस्ट निकलता है ऐश वगैरह निकलता है वो उसकी वॉल्यूम बहुत कम होती है, क्योंकि काफ़ी वेस्ट जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होकर उसको एनर्जी में हम यूज़ करते हैं उसकी। तो फिर जब उसको डिस्पोज करते हैं उस ऐश वगैरह के लिए, उसके लिए बहुत कम लैंड चाहिए होती है फाइनल डिस्पोजल के लिए। इंसिनरेटर जो है वो रिड्यूस कर देता है सॉलिड मास को बाई 80 to 85%, 80 से 85% तक जो मास है वेस्ट का उसको कम कर देता है, और वॉल्यूम भी ये क्या क्या 95 से 96% तक जो वेस्ट का वॉल्यूम है उसको क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। और ये डिपेंड भी करता है कि उसमें मेटल वगैरह जो रिसाइकलेबल मटेरियल है कुछ वो कितना परसेंट है, क्योंकि उसको मेटल वगैरह होंगे तो उसको दोबारा से हम रिकवरी करते हैं और दोबारा से उसकी रिसाइकिलिंग के लिए भेजते हैं। तो इंसिनरेशन रिजल्ट्स इन सीरियस एयर पोल्यूशन, इसमें एयर पोल्यूशन भी होती है, जो इमिशंस निकलती हैं एयर पोल्यूशन के थ्रू क्या क्या निकलता है, इंसिनरेटर जो इंसिनरेशन प्रोसेस होता है उसके उसके दौरान क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, तो इसमें हैवी मेटल भी निकलता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह भी निकलता है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन जैसे क्लोरीनेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस, ये भी क्वेश्चन आता है कि खासकर कौन सी गैसेज इंसिनरेशन के दौरान निकलती हैं, तो डाइऑक्सिन और फ्यूरेंस ये जो हैं ये टॉक्सिक गैसेज होती हैं जो निकलती हैं, क्लोरोफिनोल वी निकलते हैं वगैरह। सो प्रॉपर कंट्रोल एंड इक्विपमेंट चाहिए होता है ताकि एक जो इंसिनरेशन है उसको प्रॉपर इंस्टॉल कर सकें ताकि इन्वायरमेंट की कंटेमिनेशन ना हो। इस मेथड को इकोनॉमिकल करने के लिए क्या करते हैं हम, अब क्या कर रहे हैं कि इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि भाई वो जो वेस्ट से एनर्जी निकलती है वेस्ट को जलाते हैं, इसमें वेस्ट जलता है वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी के थ्रू पावर जनरेशन करते हैं। तो इसमें लगभग क्या होता है पार्शली रिकवरी करते हैं किसकी, वेस्ट से एनर्जी की। तो इसमें कॉस्ट की जो है वो भी रिकवरी होती है कि जितना पैसा लगेगा, तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं तो काफ़ी हद तक क्या होता है कंपनसेशन हो सकती है। इंसिनरेशन जो है इसके इंसिनरेटर के कौन कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं, और जो आजकल मॉडर्न इंसिनरेटर आ रहे हैं वो फुली इक्विप्ड हैं विद पोल्यूशन इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स। इसमें ऐसे इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर वगैरह बाकी चीज़ें भी लगी होती हैं जो कि वेस्ट कम से कम जो गैसेस वगैरह या जो इफ्लुएंट्स निकलते हैं वो कम से कम टॉक्सिक हों और एयर और वाटर को पोल्यूट ना करें। तो इस तरह के जो हैं फुली इक्विप्ड होते हैं आजकल जो इंसिनरेटर, मॉडर्न इंसिनरेटर हम जो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो जो ये लगे होते हैं इक्विपमेंट लेके करते हैं क्लीनिंग करते हैं, फ्ल्यू गैस वगैरह कम कर देते हैं, टॉक्सिकेंट जो हैं वो भी ज़्यादा ना निकलें। ये जो टाइप्स हैं इंसिनरेटर के फॉलिंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर और वेस्ट जनरेशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, एक होता है फिक्स्ड ग्रेड, ये पुराने टाइप का था फिक्स्ड ग्रेड, इसके अलावा रोटेटरी क्रीन, फ्लोडाइज बेड और मूविंग ग्रेड, ये इंसिनरेटर के जो हैं मेन टाइप्स हैं, इनको वन बाई वन हम पढ़ेंगे। तो पहले आ जाता है मूविंग ग्रेड इंसिनरेटर, मूविंग ग्रेड इंसिनरेटर। ग्रेड क्या चीज़ होती है, जहाँ पर वेस्ट को जलाया जाता है, जैसे ये देख रहे हैं ये मूव करता है यहाँ पर, तो इसमें पोर्स भी होते हैं जिसमें कि ऐश जो है वो नीचे चली जाती है और नीचे से हवा भी, गर्म हवा भी ऊपर देते हैं, ये तो इसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम ग्रेड। तो मूविंग ग्रेड जो है ये खासकर जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसकी कंबशन के लिए यूज़ किया जाता है। इस ग्रेड में क्या करते हैं, वेस्ट को डालते हैं ग्रेड के बीच में क्रेन के थ्रू, और एक थ्रॉट होता है वहाँ से डाला जाता है वेस्ट को, और फिर ये वेस्ट जलता है और फिर ऐश जो है वो ऐश पीट में चली जाती है, जहाँ पर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट की जाती है वाटर वगैरह के साथ भी, और फिर ऐश से वो रिमूव कर दिया जाता है। और ऐश को जब रिमूव करते हैं साथ में कोई मेटल वगैरह, फेरस मेटल वगैरह है तो वो वगैरह भी जो हैं मैग्नेट लगे होते हैं वो वहाँ से अलग किया जाता है उसको भी। तो जो एयर भी यहाँ पर क्या की जाती है, इसमें ग्रेड्स में दी जाती है, ब्लोन की जाती है तेज, ताकि ये जो वेस्ट है वो जो गर्म ऐश वगैरह हैं वो कूल हो सके आगे जब उसमें, ये सिस्टम भी करते हैं। एयर इसमें वेस्ट को गर्म करने का भी काम करती है और कूल करने का भी काम
करती है। कुछ ग्रेट्स हैं जो ये ग्रेट जहाँ पर हम वेस्ट को जलाते हैं उनको कूल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर भी किया जाता है। तो एयर इज ब्लोन थ्रू द बॉयलर फॉर अनदर टाइम बट दिस टाइम द कंपेरेटिवली फास्टर देन द बिफोर। तो एयर क्या करती है, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्लू गैसेज विद द हेल्प ऑफ लीडिंग टू बेटर मिक्सिंग एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब एयर क्या करते हैं, यहाँ पर जो पायरोलिसिस हमने पढ़ा था और इंसनरेटर में ये फर्क है कि पायरोलिसिस में जो वेस्ट का जो कंबशन होती है वो इन अब्सेंस ऑफ एयर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, एयर का बड़ा रोल होता है, जो वेस्ट कंबशन होती है वो भी प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। तो ये यहाँ पर एक देख पा रहे हैं कि ये व्हीकल है जिसने वेस्ट लाया यहाँ पर नीचे बंकर में डाला, यहाँ से ये लिफ्टर होता है, ये लिफ्ट करके आगे ग्रेट्स पर ले आता है। ग्रेट्स में नीचे से एयर दी जाती है, गर्म हवा, और फिर यहाँ पर जलता है वेस्ट, पूरे तरीके से वेस्ट यहाँ पर जलता है, और यहाँ से जो ऐश वगैरह वो यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाती है, नीचे जाती है, और जो गैसेज हैं निकलती हैं जो वेस्ट के जलने से ऊपर आती है, यहाँ पर बॉयलर होता है, वाटर होता है, पानी, ये जो पानी स्टीम में चेंज हो जाता है और फिर प्रेशर पड़ता है आगे, तो बिजली जनरेट होती है जब टर्बाइन पर प्रेशर डालता है ये वाला स्टीम, और ये यहाँ से एयर इधर से होती हुई इधर से जाती है, ये फ्लू गैसेज जो होती हैं, ये जो गर्म गैसेज हैं यहाँ आ जाती हैं, इनकी क्लीनिंग होती है, यहाँ पर सिस्टम लगे होते हैं उनके थ्रू, फिर यहाँ से फिर चिमनी लगी होती है एक स्टैक प्रॉपर हाइट के ऊपर, वहाँ से इनको ऊपर फिर ऊंचा जो है वहाँ पर रिलीज किया जाता है एयर को। तो ये एक होता है मूविंग ग्रेट जो इंसनरेटर है। तो मूविंग ग्रेट जो है इसमें जो ग्रेट होता है वो मेटेलिक परमिएबल होता है, बेड होता है नीचे की परमिएबल की, उसमें पोर्स होते हैं ताकि जो ऐश है वो नीचे गिर जाए और साथ में गर्म हवा जो है वो भी ऊपर आए। तो इसमें ये चीज़ होती है, एक सेकेंडरी कंबस्शन भी होती के लिए भी क्या है, जो एयर को दिया जाता है ऊपर से, एक तो नीचे ग्रेट के नीचे से हवा को दिया जाता है कंबस्शन के लिए, दूसरा नोजल के थ्रू ऊपर से भी जो है एयर को क्या है एयर प्रोवाइड की जाती है थ्रू नोजल भी गर्म हवा, ताकि जो टेम्परेचर है काफ़ी मेंटेन किया जाए, क्योंकि लगभग 1000 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर जिसमें वेस्ट को जलाया जाता है। तो ये हमने अभी भी देखा पहले भी कि ये ग्रेट जो पोर्स हैं नीचे से हवा ऊपर की तरफ आती है, और जो जब वेस्ट जलता है तो इसमें ऐश जो है नीचे चली जाती है और ऐश पिट में चली जाती है। तो ये जो ग्रेट्स होते हैं मूविंग ग्रेट, इसे नाम है क्योंकि ग्रेट मूव करता है, ये मूव करता है। इसमें ये कलर्ड पिक्चर है जहाँ पर हमने पहले भी देखा कि ये ट्रक्स से क्या है वेस्ट लाया और यहाँ पर वेस्ट स्टोरेज बंकर में वेस्ट डाल दिया, यहाँ से ये पिक करेगा इसको वेस्ट को और वेस्ट इस फीडर में यहाँ पर डाल देगा ग्रेट के ऊपर, ये मूविंग ग्रेट जो है इसके ऊपर, यहाँ से हवा देते हैं प्राइमरी एयर ये दे रहे हैं जैसे गर्म हवा, और ऊपर नोजल से भी हवा दी जाती है जैसे पड़ा हमने। तो जब पूरे तरीके से वेस्ट लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है तो हवाएँ जो हैं फ्लू गैसेज ऊपर चली जाती हैं और जो ये ऐश पिट में जो ऐश है वो नीचे आ जाती है, ये वाली बॉटम ऐश जहाँ से फिर एक गाड़ी के थ्रू लेकर इसको ले जाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये स्टीम है, ये स्टीम ये जो गैसेस हैं फ्लू गैसेस ये काफ़ी गर्म होती हैं, यहाँ पर ये बॉयलर होता है जिसमें कि वाटर चेंज हो जाता है स्टीम में और ये यहाँ से एनर्जी फिर प्रोड्यूस होती है और फ्लू गैसेस फिर यहाँ से आगे यहाँ पर लाई जाती है जहाँ पर इसकी क्लीनिंग की जाती है फ्लू गैसेस की, उसके बाद इनको फिर एयर में थ्रू चिमनी रिलीज कर दिया जाता है। ये जो मूविंग ग्रेट इंसनरेटर है इसको हम समझेंगे एक एनिमेशन के थ्रू कि ये कैसे काम करता है। ग्रेट इंसनरेटर में जब वेस्ट बाहर से आता है थ्रू ट्रक्स के थ्रू, ये आएगा जब वेस्ट यहाँ पर डंपिंग कर दी जाएगी इसकी वेस्ट की जिसको इंसनरेट करना है हैज़ार्डस वेस्ट को, यहाँ से ये गाड़ी होगी यहाँ से वेस्ट उठाएगी और अंदर यहाँ पर ले जाएगी, ये यहाँ पर जाएगा वेस्ट और रिफ्यूज़ बंकर में वेस्ट को डाल देगा। अब रिफ्यूज़ बंकर में कट और क्रश होगी जो वेस्ट का स्मॉल पीसीज में, और उसके बाद इस वेस्ट को लिफ्ट किया जाएगा और लिफ्ट करके ग्रैब क्रेन से ओवरहेड ग्रैब क्रेन होगी जो इसमें यहाँ पर डाल देगी। ये है ग्रेट्स मूविंग ग्रेट, यहाँ पर ग्रेट्स में जब आएगा तो यहाँ हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पर एयर के थ्रू देंगे और ये कंबस्शन शुरू हो जाएगी
पहले एक्सिलरी फ्यूल के थ्रू, फिर ये खुद जब वेस्ट जलने लग जाएगा तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कितने तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है लगभग टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, और जो ऐश है वो नीचे चली जाती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना वाला, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से गैसेज जब निकलती हैं, जो गर्म गैसेज, फ्लू गैसेज, ये क्या करती हैं, यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ पर जो है गैसेज को कूल किया जाएगा, आगे जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट के थ्रू, क्लीन होंगी ये गैसेज ड्राई लाइम रिएक्टर के थ्रू भी, और फिर ये सिस्टम जो क्लीनिंग गैसेज का है, उसके बाद इनको होते हुए गैसेज चिमनी के थ्रू, लगभग 150 मीटर की चिमनी होगी ऊंची, वहाँ से ये गैसेज बाहर चली जाएंगी। तो इसमें जो ये यहाँ पर वेस्ट बर्न होता है, जो ऐश नीचे आती है, ये वाइब्रेटिंग कन्वेयर पे आती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर्स भी लगे होते हैं। और इसमें क्या होता है, फेरस वाला मटेरियल जो है, वो जो आयरन वाला मटेरियल है, वो यहाँ पर आकर अलग हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। नॉन फेरस मैटर जो है वो क्या होगा, ये वाला, ये यहाँ पर जो है वो सेग्रीगेट हो जाएगा। सिस्टम लगा होता है जिसमें कि ऐश फिर बाद में इसको हम कलेक्ट करते हैं। ये बड़ा दूसरा आ जाता है फिक्स्ड ग्रेड। ये फिक्स्ड ग्रेड ओल्डर वर्जन ऑफ जो है सिस्टम है इंसिनरेटर का, ये पुराना टाइप है, जिसमें कि क्या होता था कि जिसमें जो ग्रेड्स हम देख रहे हैं मूव नहीं करते, जिसमें वेस्ट को जलाते हैं वो स्टैटिक होते हैं, स्टेबल होते हैं। और इसमें जनरली दिस काइंड ऑफ जनरली लाइंड विद द ब्रिक्स, आउटर जो उसका पोर्शन होता है इंसिनरेटर का, वो ब्रिक्स के साथ उसकी कवरिंग होती है। और जो ग्रेट, जो ऐश पीट वगैरह होता है, जहाँ ऐश इकट्ठी होती है, वो मेटल का बना होता है। इस ग्रेट के ऊपर भी ओपनिंग टॉप पर होती है, और साइड पर भी जो है ग्रेट खुला होता है, ग्रेट जो है वो साइड से खुला होता है, और ऊपर से जो वेस्ट डालते हैं ऊपर वाली, उस ओपनिंग ऊपर होती है। ये पहले इस तरह का ग्रेट जो घरों में यूज किया जाता था, जिसको अब रिप्लेस किया गया है वेस्ट कंपैक्टर के साथ। नेक्स्ट जो है टाइप आती है रोटेटरी किलन। रोटेटरी किलन ऐसा हो गया जिसमें एक रोटेशन, एक सिस्टम होता है, चैम्बर होता है कि जो रोटेट करता है, और वहां पर वेस्ट को बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो उसको बोलते हैं रोटेटरी किलन जो है इंसनरेटर। ये क्या है, इंडस्ट्री वेस्ट और जो म्यूनसिपैलिटीज के जो वेस्ट होता है उसको जो है इंसनरेशन की जाती है। इसमें इसमें इस रोटेटरी किलन में दो चैम्बर होते हैं, टू चैम्बर होते हैं, एक है प्राइमरी कम्बसन चैम्बर, और सेकंड होता है सेकेंडरी कम्बसन चैम्बर। ये देख पा रहे हैं, ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला प्राइमरी कम्बसन चैम्बर, और ये वाला जो सेकंड है, ये सेकेंडरी कम्बसन चैम्बर। दो तरह के चैम्बर होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर से जो है सॉलिड स्लज वगैरह वेस्ट को डाला जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गर्म हवा नोजल के थ्रू और ये दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अंदर, और टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो वेस्ट यहाँ पर पूरे तरीके से जलता है, जो गैसेज निकलती हैं यहाँ से, ऐश तो नीचे चला जाता है यहाँ से, बाकी जो गैसेज निकलती हैं, और प्लस जो थोड़ा बहुत ऐश निकलता है वो आ जाता है, एक एक किस्म का ये साइक्लोन की तरह होता है। यहाँ पर वेस्ट ऐसे गोल गोल जो हवाएं घूमती हैं, तो जो, और यहाँ पर टेम्परेचर 1000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। जहाँ पर की क्या की करते हैं कि जब हवाएं ऐसे जो फ्लू गैसेज हैं गोल गोल घूमती हैं, तो जो ऐश वगैरह है वो नीचे चली जाती है, और बाकी जो गैसेज हैं यहाँ से ऊपर जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं। और फिर साथ ही साथ में क्या होता है कि ये पावर जनरेशन के लिए बॉयलर के साथ जुड़ा होता है, या उसके एनर्जी भी जनरेट होती है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है, और फिर उसको भी चिमनी के थ्रू रिलीज किया जाता है एटमोसफेयर में। जो नेक्स्ट है वो है ये वाला जो है फीडिंग, एक एग्जांपल इसको फिगर में देख रहे हैं, ये भी रोटरी जो किलन है उसका ही ये फिगर है, ये भी जिसमें फीडिंग सिस्टम है, ये यहाँ से वेस्ट डाला जाता है इसको। ये रोटेटरी किलन है, जो पहला चैम्बर है जो कि ये घूमता है, ये वाला क्या है, ये घूमता है, और ये सेकेंडरी जो है चैम्बर है, जिसमें फिर उसके बाद ये वेस्ट जलकर यहाँ चला जाता है ऐश में, और बाकी जो एयर वगैरह है फ्लू गैसेज यहाँ पर भी जलती हैं, और जो ऐश है नीचे चली जाती है, और बाकी हवा जो है गर्म वो आगे बॉयलर होते हुए क्लीनिंग सिस्टम में के थ्रू फिर बाहर चली जाती है चिमनी के थ्रू। रोटेटरी किलन है ये हम एक है
एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। चैम्बर होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंबसन चैम्बर जो कि रोटेट करता है, हम ये देख पा रहे हैं। तो वेस्ट यहाँ से नीचे यहाँ से आता है, ऊपर से ये देख पा रहे हैं हम, वो आएगा इस प्राइमरी कंबसन चैम्बर में, यहाँ पर वेस्ट बर्न करेगा हाई टेम्परेचर में है, और जो फ्लू गैसेज निकलेंगी वो ऐश नीचे बैठ जाएगी, नीचे चली जाएगी, बाकी जो फ्लू गैसेज है यहाँ सेकेंडरी कंबसन चैम्बर में आएंगी। सेकेंडरी कंबसन चैम्बर फिर से होते हुए गैसेज आगे पावर जनरेशन के लिए भी जाएंगी, स्टीम बनाएंगी, और बाकी जो है इसका ट्रीटमेंट होगा गैसेज का। ट्रीटमेंट होने के बाद ये फाइनली जो है चिमनी के थ्रू बाहर चली जाएंगी। तो ये होता है रोटेटरी किरण जो एनिमेशन के थ्रू हमने आता है। जो फोर्थ वन इज फ्लूडाइज बेड इंसनरेटर। फ्लूड जो सिस्टम होता है, फ्लूड क्या होता है, ऐसी चीज़, ऐसा सॉलिड वगैरह जो क्या करता है, फ्लो करता है, ऐसा मटेरियल जो फ्लो करता है उसको फ्लूड कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये इंसनरेशन ऐसा होता है जिसमें एयर को तेजी हाई स्पीड से ब्लो किया जाता है, और सैंड बेड, सैंड होती है नीचे, यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे भी। तो इसमें क्या होता है कि जब एयर को जो सैंड को तेज हवा दी जाती है नीचे से, तो सैंड क्या होता है बहुत फास्ट, जब स्पीड के साथ एयर दी जाती है तो वो उसके ग्रेन्यूल सेपरेट हो जाते हैं एयर के, जब एयर पास करती है, और फिर क्या होती है कि ये ऐसे फ्लोट करना लगती है, सस्पेंड होना लगती है उसमें चैम्बर में। तो इसमें इसी चैम्बर में वेस्ट को भी डाला जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है अलोंग विद सैंड के ऊपर, तो सैंड के साथ मिक्स हो जाती है ये जो वेस्ट होता है, और ये सस्पेंड करते हैं, सैंड भी और वेस्ट भी सस्पेंड करते हैं वहाँ पर, और एयर को पूरे तरीके से तेजी के साथ गर्म हवा को सप्लाई किया जाता है उस चैम्बर में। जब ये एयर सैंड क्या होते हैं मिक्स होते हैं, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल की फॉर्म में सस्पेंड हो जाते हैं पूरे के पूरे, और फ्लो करने लगते हैं लाइक ए फ्लूड उसमें, इसी वजह से इसका नाम होता है फ्लूडाइज बेड इंसनरेटर। और फिर कहता है ये जो वेस्ट होता है सैंड वगैरह जो फ्यूल, इसको क्या करते हैं ये सर्कुलेट करते हैं इसमें, और क्या होता है सैंड वेस्ट मटीरियल के साथ कोल वगैरह भी जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया होता है, वो भी वहाँ जलता है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये फ्लूडाइज बेड की ये पिक्चर है, वो पिक्चर के थ्रू हम जो फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ विंड को ब्लो किया जाता है तेज़ी के साथ, काफ़ी फास्ट स्पीड के साथ, यहाँ से स्लज भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये सैंड बेड है, सैंड है नीचे, जब इसको हाई स्पीड के साथ विंड देते हैं प्रोवाइड करते हैं, ये प्री हीटेड जो है होती है ये एयर फ्लू गैसेस के थ्रू, और बर्नर, दो चीज़ें होती हैं जो ये हीट करती हैं यहाँ पर एयर को, और ये गर्म हवा जब आती है तेज़ हवा, ये सैंड और उसको क्या करती है सस्पेंड कर देती है स्लज वगैरह को। तो फिर क्या हो गया, पहले ये नीचे नीचे था सैंड वगैरह, ये पूरे का पूरा स्प्रेड कर गया, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्प्रेड कर गया, और फिर फ्लू गैसेज यहाँ से आती है साथ में क्या सारा साइक्लोन में, साइक्लोन के थ्रू क्या होता है ये यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइक्लोन में तो साइक्लोन के थ्रू ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ से जब गैसेस आती है साइक्लोन के थ्रू, जो ऐश वगैरह जो सैंड है वो नीचे वापस आ जाती है यहाँ पर, और जो फ्लू गैसेज हैं वो गर्म हुई होती हैं, हाई टेम्परेचर होता है जिनका, वो आगे चली जाती हैं जहाँ पर फिर बॉयलर को स्टीम बनाती हैं, जुड़ा होता है वहाँ पानी बॉयल करता है, स्टीम बन जाता है, और फिर वो स्टीम जो है वो टर्बाइन को घुमाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और बाकी फिर फ्लू गैसेज फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, और फिर चिमनी के थ्रू बाहर हो जाता है। और ये चीज़ इसके साथ भी, फ्लू गैसेज इसके साथ भी जुड़ी होती हैं विंड बॉक्स के साथ, ताकि ये जो हवा, गर्म हवा देते हैं हम ट्रीटमेंट, ये उसको भी हाई टेम्परेचर करती है, इंक्लूडिंग बर्नर के साथ साथ ये प्री हीटेड जो ये फ्लू गैसेज भी इसको गर्म करती हैं। तो ये हम यहाँ पर इस फिगर से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये है एयर ब्लोअर, ये वाला जहाँ से एयर ब्लो करते हैं, ये बर्नर है जो कि एयर को टेम्परेचर बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ में इस सिस्टम में फ्लू गैसेज जो गर्म होकर ये गैसेज निकलती हैं वो भी जुड़ा होता है इसके साथ, तो वो भी इनको गर्म करता है।
तो ये प्री ट्रीटेड एयर जब आती है यहाँ पर, तो यहाँ से स्लज मैटर आ रहा है अंदर, ये सैंड बेड है, ये जो आप क्या करते हैं फ्लो करते हैं सस्पेंड हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर आगे साइक्लोन में जाते हैं, फिर ऐश जो वो सैंड होती है वापस आ जाती है, और एयर गर्म जो फ्लो गैसेज हैं वो आगे चली जाती है। तो ये भी फिगर है, और एक फिगर ये है। तो इसमें ये चीज़ें हैं टोटल की क्या क्या चीज़ कहाँ से आती है। तो ये फ्लोडाइज बेड है, यहाँ पर सैंड बेड है, यहाँ से विंड दी जाती है। तो ये सारा दिस इज ए फ्लोडाइज बेड इंसनरेटर। थैंक यू।